हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी रूरल इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक। इससे पहले ऑलरेडी जितने सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो रहे होंगे और कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा जो आपसे ना हो पा रहा हो या जिसमें डाउट हो रही हो। फिर भी अगर किसी में डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ उसे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर देंगे ताकि फिर हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर सके। बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस वी हैव कवर्ड और प्रोबेबली जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं या जितने भी कंटेम्प्रेरी अफेयर की चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले थैंक यू फॉर द स्पॉन्सरशिप। और ये स्पॉन्सरशिप बेसिकली दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई स्टडी विद रोनित गौतम, जो कि नेट GRF और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए YouTube चैनल पर अपने वीडियोस डालते हैं। तो आप इनके चैनल को जा करके एक बार देख सकते हैं। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट GRF या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, एक बार जा करके आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाए गए हैं और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी डिस्कस की गई है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस तरीके के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं व्हाट इज द प्लान बी फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो दिस टीचिंग प्रोफेसरशिप एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जॉब कैन बी प्लान बी फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज के अलावा आप जो है अदर टीचिंग एग्जामिनेशन जो प्रोफेसर्स वगैरह के जॉब होते हैं उनके लिए भी आप चाहे तो एक प्लान बी बना सकते हैं। ऑल दो इसके अलावा भी और भी प्लान बी हो सकते हैं। तो आप एक बार जा करके चेकआउट कर सकते हैं स्टडी विथ रोहित गौतम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज। अब देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है जब हम लोगों ने रूरल सेक्टर के बारे में बात किया था, यहां पर भी हम लोगों ने बात किया था कि आखिर में व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल वाटर रिसोर्स एंड ऑल दैट। सेम वही सारी चीजें आप यहां पर भी कर सकते हैं, आखिर में रोल ऑफ वुमेन क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ SHG एंड साथ ही साथ में रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में। अब यहां पर मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आप सिंपली बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिर में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप यहां पर वुमेन के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन में आप दिखा सकते हैं कि आखिर में जो रूरल इंडस्ट्रीज या जो रूरल बिजनेस हो रहा है बेसिकली उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें वुमेन की ही मिल रही है। इनफैक्ट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में भी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया था। और इस फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ना सिर्फ केवल अब एग्रीकल्चर बल्कि और भी बाकी के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी हमें रूरल पार्टिसिपेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस पार्टिसिपेशन में अगर हम लोग देखें, देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर एक्चुअली बीन टेकन केयर एक्टिवली बाय द वुमेन। इसमें तमाम आप इंडस्ट्रीज के बारे में बोल सकते हैं, जैसे कोयर इंडस्ट्री हो गई, या फिर इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। कई बार आपने देखा होगा लिज्जत पापड़ आता है, तो पापड़ वाली जो इंडस्ट्रीज है वो भी वुमेन के द्वारा ही लीड की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे SHGs बना करके रखे गए हैं। SHGs आर नथिंग बट स्मॉल बिजनेस, दीज आर नथिंग बट स्मॉल बिजनेसेस। अब यहां पर हम लोग MSME के कंसेप्ट को लेकर के आ सकते हैं और जितना हम लोगों ने MSME सेक्टर को डिस्कस किया था वो सारी चीजें यहां पर भी आप ले आकर के डिस्कस कर सकते हैं। वुमेन के कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आप यहां पर एक और पॉइंट बना सकते हैं कि आखिर में व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच अल्टीमेटली लेड वुमेन टू वर्क। आखिर में वो क्या कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण से वुमेन को काम करना पड़ा। अगर आप देखेंगे हमारे एंशियंट सोसाइटी में, हमारे एंशियंट सोसाइटी में अगर देखेंगे तो यहां पर महिलाओं का काम करना उतना ज्यादा कह लीजिए कि एलिजिबल या अवेलेबल नहीं था, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे बिकॉज ऑल द सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे यहाँ का समाज भी इंडस्ट्रियलाइज होता है और इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद में ये बात समझ में आ जाती है कि वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वर्क करने के पीछे जो ज्योग्राफिकल रीजन निकल करके आता है उसका मेन रीजन है माइग्रेशन। सो दिस इज माइग्रेशन। अब देखिए, हम लोगों ने माइग्रेशन का टॉपिक उठा लिया, अब हमारे पास थ्योरीज आ गई। अब इस थ्योरीज में आप उठा करके रेवेनस्टीन की थ्योरी या फिर ली की थ्योरी, स्टॉफर की थ्योरी, देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज विच आर रिलेटेड विद माइग्रेशन। इस माइग्रेशन में अगर देखेंगे तो सब में एक बात कही गई है कि मेल माइग्रेट मोर देन फीमेल। और अगर मेल का माइग्रेशन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वुमेन अब रूरल एरिया में रह करके कुछ तो करेंगी ही।
धीरे धीरे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बेसिस पर फाइनली इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि एसएचजी के फॉर्मेट में निकल करके आता है। कुछ एसएचजीज जब सर्टिफाइड हो गए तो वो बन गए हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट में। हालांकि पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसएचजी में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता था, बट आज की डेट में कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कंडीशन में आ गई है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इट इज नॉट टफ टू एक्चुअली बाइफरकेट दीज टू डिफरेंट सेक्शंस। कोऑपरेटिव बस ये है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। तो एक पॉइंट आपने बता दिया कि माइग्रेशन इज द मेन सोर्स। सेकेंड पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि अब आज की डेट में बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है और साथ ही साथ में लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सब्सिडियरी एक्टिविटीज बढ़ते आ रही है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज का अब धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। और ये एक्सपेंशन चाहे वो ग्रोथ पोल के फॉर्मेट में आप बात करिए या ग्रोथ सेंटर के बारे में आप बात करिए, यानी चाहे आप पेरवेक्स की थ्योरी के बारे में बात करिए या फिर आप बॉडेविले की थ्योरी के बारे में बात करिए, इन दोनों से ही हमें एक तो रूरल एरिया में एंट्री मिल गई और दूसरा लेबर फोर्स के नाम पर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी मिल गया। एक और पॉइंट यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, वो है मार्क्सियन थ्योरी के बारे में। सो दिस इज मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी के बारे में भी आप बता सकते हैं मोर हैंड मोर लेबर, तो कहीं ना कहीं मोर हैंड के नाम पर फीमेल का भी आखिर में हैंड आ जाता है, यहां पर भी इनका हाथ हो जाएगा, तो एक तरीके से इनका भी पार्टिसिपेशन यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एंड स्पेशली वाटर, यहां पर वाटर। अब जैसे शहरों में आप जाएंगे तो वाटर की कंडीशन जो होती है काफी ग्रेव हो चुकी है, बट धीरे धीरे अगर हम यहां पर देखेंगे अपने रूरल एरिया में तो यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, और इस कारण से इंडस्ट्रीज को अपना एक कह लीजिए कि रिसोर्स पोटेंशियल मिल गया या फिर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो गई, जिसके बेसिस पर अब ये रूरल एरिया में आकर के अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द प्राइमरी कंडीशन विच एक्चुअली लेड वुमेन टू वर्क एंड फॉर्म अ फॉर्मल इकोनॉमी। अब ये धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाती है। कंडीशंस के बाद में अल्टीमेटली आप बताएंगे आखिर में वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाबार्ड की एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, वो सारे पॉइंट उठा करके आप लिख दीजिएगा कहां कहां पर क्या क्या डेवलपमेंट या कहां कहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई, उन सारी इंडस्ट्रीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को अब मिल रहा है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और पॉइंट आप बता सकते हैं कि आखिर में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है चलिए फटाफट उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम एक कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन के नाम पर आप यही सिंपली बता सकते हैं कि वुमेन को भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन आवर फॉर्मल इकोनॉमी, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी का जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी कैलकुलेशन और द इकोनॉमी यू कैन से स्ट्रक्चर और द शेप, वो कहीं ना कहीं अभी डिस्टॉर्टेड है। उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट द वुमेन इनटू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज अदर ज्योग्राफिकल यू कैन से इकोनॉमिक बेसिस, जहां पर हम ज्योग्राफी और अलग चीजों का भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से आप चीजों को लिख सकते हैं। सो एक बार क्विकली जरा कुछ राइटअप भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक नई स्कीम निकाली गई है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर भारत। और यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद होता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो दिस इज नथिंग बट द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर हमारी एसएचजीज डेवलप हो जाती है और छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप डेवलप हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हब एंड स्पोक मॉडल के बेसिस पर हमारा जो मेन रूरल इंडस्ट्री है उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर स्टार्ट होती है और यहां पर कहीं ना कहीं लगभग लगभग 10 करोड़ हाउस होल्ड अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंटीग्रेट हो चुके हैं एंड लिंक देम टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। कहीं ना कहीं जो होता है ये सस्टेनेबिलिटी की ओर में हमें देखने को मिल रहा है, तो दिस इज द मेन सस्टेनेबल थिंग हियर। आगे अगर बात करें इसी तरीके से हमारे पास आता है कि इनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए, स्किल दी जाए और इनको फाइनेंशियल और टेक्निकल अगर अवेलेबिलिटी कराई जाए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें और बेटर फॉर्मेट में देखने को मिल सकती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए हैं इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के, जहां पर सोशल मोबिलाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और साथ ही साथ में सोशल इंक्लूजन कराना, क्योंकि हमारे समाज में ऑलरेडी जो होती है तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। इसके फर्क क्या पड़ेंगे, मतलब आखिर में क्या क्या फायदे आएंगे, तो फायदे के नाम पर अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो फायदे के नाम पर हमारा आ जाता है यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन का एक टाइप हो जाएगा।
इस इंटीग्रेशन में हम बोल सकते हैं कि अगर हर एक घर के एक एक महिला अगर घर में काम करना, मतलब कि इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर देती है, फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फर्क देखने को मिलेगा इन आवर बिजनेस सेक्टर एज वेल एज इन आवर इकोनॉमी, दोनों सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें फायदा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट द यू कैन से वुमेन इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी एंड वी नीड टू मोबिलाइज द वुमेन इनटू आवर सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन बाय द यू कैन से इंप्लीमेंटेशन फॉर द पुअर सोसाइटी, जितने भी लोग मतलब पॉवर्टी के नीचे हैं या फिर पुअर सेक्टर में आ जाते हैं, तो वहां पर अगर हम लोग इस तरीके का मोबिलाइजेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें काफी बेटर फॉर्मेट में एक हमें फ्यूचर देखने को मिल सकता है। पॉवर्टी लेवल यानी जो हमारी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारी रैंक ऊपर होगी। और हो सकता है इन दोनों के कारण से जब आगे हमारे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो तो हमारे यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी और बेटर फॉर्मेट में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके भी जो आउटकम्स है वो मोर और लेस कहीं ना कहीं जेंडर और पॉवर्टी इन दोनों को इंटीग्रेट करते हुए देखने को हमें मिलते हैं। रिसेंट में अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली गई है, तो आप लोग जरा देख लीजिएगा क्या रैंक आई है। नियर अबाउट सेम से ही रहती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट एक्चुअली द रैंक इज। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि शुरुआत से मतलब आप देखेंगे तो वेरियस गवर्नमेंट हैज लॉन्च नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो प्रोग्राम बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एक का भी ढंग से नहीं हो पाता है। और इस वजह से हमें क्या करना होता है कि जितने भी प्रोग्राम है उसको एक यूनिवर्सल यानी कि एक अम्ब्रेला बेस्ड बना करके फिर उसको हम इंटीग्रेट करा सकते हैं, कन्वर्ज करा सकते हैं। और यही इनफैक्ट इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का भी मेन ऑब्जेक्टिव है, जहां पर एक अम्ब्रेला स्कीम बना करके फिर सारे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ज कराया जाए। एक बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आती है बिजनेस के साथ में कि वो शुरू तो हो जाते हैं लेकिन खत्म होने में बड़ी दिक्कत होती है। इन केस इफ द बिजनेस फेल देन व्हाट इज द एग्जिट मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है, तो ये भी आसान रखा गया है, एकदम आप सिंपली एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा एसएचजीज को और हमें प्रमोट करना है, और उसके लिए हमने एक फेडरेशन बना करके रखा हुआ है, और उस फेडरेशन के बेसिस पर क्लस्टर फॉर्मेट में या फिर ग्रुप फॉर्मेट में या विलेज ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में अल्टीमेटली प्रमोशन किया जाता है एसएचजीज का, और इनको लिंक किया जाता है। बेसिकली इनको एक तरीके से कहिए नेटवर्किंग की जा रही है, जिसके बेसिस पर दे कैन फॉर्मलाइज एंड दे कैन कंट्रीब्यूट इन टू द मेन इकोनॉमी, और यही हमारे मेन जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसके अलावा हमें और ज्यादा इनको ट्रेन करना पड़ेगा, इनकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, इनको और ज्यादा एम्पावर करना पड़ेगा। तो एम्पावर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप करना पड़ेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अब ये कैपेसिटी केवल और केवल एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर इनके मार्केट डेवलपमेंट से नहीं है, बल्कि इनको फाइनेंशियली भी वायबल करना पड़ेगा, और इसके लिए हम फाइनेंसेस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाता है, और कोशिश यही की जाती है कि कहीं पर भी इनको प्रॉब्लम ना आने पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन जब करा देंगे तो इनको आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में माइक्रो फाइनेंसिंग भी इनको करवाई जा सकती है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर हम लोग जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके बेसिस पर वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम अपने सोसाइटी में बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं इन्हीं के साथ में, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सारे प्रोग्राम अगर आप नाम ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और वैसे भी आपने गवर्नमेंट स्कीम तो कर ही रखा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पर, हम लोग सीधे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है हमारे रूरल इंडस्ट्रीज का, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती कौन कौन सी है। तो इंडस्ट्रीज के लिए आप सिंपली बता सकते हैं कि आज की डेट में जितने भी एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड या प्राइमरी प्रोडक्ट बेस्ड है या रॉ मटेरियल बेस्ड है, वो सारी की सारी कहां से आ रही हैं, इसी रूरल एरिया से ही आ रही हैं। कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ रही हैं और कुछ यहां पर डायरेक्ट बेसिस पर आ रही हैं, दोनों ही बेसिस यहां पर हमें देखने को मिल जा रहा है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए सिंपली हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहां पर रिसोर्स कौन कौन सा है, मतलब किस तरीके का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम ये देख सकते हैं कि आखिर में मार्केट कैसा है। तो बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स वी कैन एक्चुअली डिसाइड कि व्हाट वुड बी द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया और हाउ वी कैन एनहेंस आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। रिसोर्स का मतलब यहां पर ये हो गया कि कैसे हम मतलब कि किस किस तरीके के रिसोर्सेज हैं।
एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हमारे पास है ही, एलाइड सेक्टर के भी हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज है, चाहे वो हमारा बी कीपिंग हो, एपिकल्चर हो, या फिर हमारी पिस्सीकल्चर हो, या फिर जो व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि मिल्क हो, तो ये डेयरी हो, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कैश क्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है, और कैश क्रॉप में हमारे पास फ्रूट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये सब जितने भी प्राइमरी रॉ मटेरियल बने, इन सब का हम प्रोसेसिंग करा सकते हैं। प्रोसेसिंग क्यों कराएंगे? सिंपल रीजन है उसके पीछे, उसकी पेरिशेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, या एलाइड सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी पेरिशेबिलिटी काफी कम होती है, यानी कम समय तक टिकते हैं, तो आप लंबा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी प्रोसेसिंग कर दीजिए, रेडी टू ईट मटेरियल बना दीजिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ आप प्रोसेसिंग करा देंगे, यानी इनको हमें लिंक करना पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ में। और ये अपने आप में एक नई इंडस्ट्री है जो कि रूरल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। इस FPI में हम MSME के कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दो फायदे हो गए, एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ गया, रूरल इकोनॉमी भी इंटीग्रेट हो गई, और साथ ही साथ में जेंडर पैरिटी भी हमारे यहां पर देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का भी बेसिस आप लेकर के आ सकते हैं कि हमारे यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सकता है। वी कैन यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम अदर मशीनरी का इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अपने जो मार्केट है और अपना जो फूड प्रोड्यूस है उसको और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल फूड प्रोड्यूस नहीं, बल्कि आप अदर इंडस्ट्रीज को भी लिंक कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, कॉयर इंडस्ट्री हो गई, या छोटे मोटे जो मैट मेकिंग होती है, चटाई बनाने का काम हो गया, इन सारी चीजों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे बैंबू कल्टिवेशन यानी बैंबू का वर्क हो गया, ये भी अपने आप में एक काम आ जाएगा। नॉन टिम्बर और टिम्बर बेस्ड दोनों के दोनों इंडस्ट्रीज यहां पर डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी यानी कि सॉरी मार्केट। अब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आपका आउटपुट क्या है और दूसरा फाइनेंसेस क्या है। तो आउटपुट में यह देखना पड़ेगा आखिर में किस चीज की डिमांड हो रही है, तो बेस्ड ऑन द डिमांड यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि व्हाट यू शुड ग्रो, आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस में क्या लेकर के आ सकते हैं। अगर देखेंगे स्टार्टअप कल्चर को, तो आज की डेट में स्टार्टअप कल्चर का सिंपल फिलॉसफी है, आदमी को जितना ज्यादा आलसी बना सको उतना बना लो। जितना ज्यादा आप आलसी बना पाएंगे उतना बढ़िया आपका स्टार्टअप जाएगा, चाहे वो जोमैटो हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, या फिर आपका लेंसकार्ट हो, या जो कोई सा भी हो, सबका एक फिलॉसफी है आदमी को ज्यादा से ज्यादा आलसी बना दो। बिकॉज सिंपल सी बात है, टाइम की कीमत होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर टाइम बहुत होता है बट आदमी आलसी बहुत होता है। तो वही चीज यहां पर भी है, यू नीड टू एक्चुअली डिफाइन एंड यू नीड टू डू अ सर्वे टू एनालाइज द मार्केट। पहले एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट यानी आउटपुट को देखना पड़ेगा कि किसकी डिमांड है, किस तरीके की डिमांड है, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी किस तरीके की आ रही है। तो ये सब तो हो गए वो की टर्म्स जिसके बेसिस पर आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, और फिर अपने एक्सपोर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका सिंपल आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके का एक्सपोर्ट रहा है और रूरल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। मेन तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, और लास्ट में फाइनली आप यहां पर कंक्लूड करते हुए ये लिख सकते हैं कि यस वी हैव द पोटेंशियल एंड नाउ रूरल इंडस्ट्रीज आर बीइंग टेकन केयर, कि अब इनका एक्सपोर्ट और इनका जो प्रोड्यूस है वो और ज्यादा बढ़ते जाए। कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रीज ये मेनली ऑपरेट ऑन ए स्मॉल स्केल, जैसे एमएसएमई सेक्टर होता है वैसे ये स्मॉल स्केल पर काम करती हैं, और नॉर्मली ये गवर्न होती हैं नॉट बाय द मासेस बल्कि मास प्रोडक्शन से, यानी एक तरीके से कह लीजिए होलसेल टाइप का मास प्रोडक्शन पर यहाँ पर काम देखा जाता है कि यहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है। रूरल इंडस्ट्रीज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और स्पेशली यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी, एक तो क्या है जेंडर पैरिटी भी हमें देखने को मिल जाएगी, और नंबर टू हमें साथ ही साथ में माइग्रेशन को भी रोकने में मदद मिलेगी। माइग्रेशन को लेकर के नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, इस नीति आयोग ने ये बोला हुआ था कि माइग्रेशन को हमें रोकना है। सो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट द कर्बिंग ऑफ द माइग्रेशन, इट इज अबाउट द स्किल्ड माइग्रेशन। सो वी नीड टू प्रमोट द माइग्रेशन विच हैज स्किल्ड लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास चीजें आएंगी। अदरवाइज अगर नॉन स्किल्ड है, या फिर मान लेते हैं कि ऐसे ही अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, उसके लिए कहीं ना कहीं माइग्रेशन जो होता है वो घातक होता है, वो जरूरी नहीं होता है, और वो आगे जाकर के तमाम स्लम प्रॉब्लम, सेटलमेंट प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, तमाम तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से हमें इस माइग्रेशन को भी रोकना पड़ेगा, और ये सिंपल उसका एक तरीका निकल करके आएगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द ओरिजिन एरिया। और यहां पर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज देख सकते हैं,
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बेसिस पर देख सकते हैं एंड दिस नीड टू रीलुक नॉट ओनली एट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लोकल कंजम्पशन बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेस. द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ रूरल इंडस्ट्री नीड टू बी हार्नेस्ड एज इट कंट्रीब्यूट टू फॉरन एक्सचेंज अर्निंग. कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा निकल करके आ रहा है और इसमें जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज्यादा निकल के आती है. इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन करेक्टिंग द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. कहीं ना कहीं अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरन करेंसी आएगी और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ते जाएगा. रूरल इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा हेल्प करती है इन मॉडरेट फॉरन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अभी हम लोगों ने बात किया जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि फॉरेन पैसे आएंगे डॉलर्स आएंगे उतना ज्यादा हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होते जाएगी और हमारे यहाँ का जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का गोल है वो भी कंप्लीट होगा. यह आत्मनिर्भर भारत में भी कहा गया है. तो शिफ्टिंग द फोकस ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स एक्सपोर्ट विल ओपन अप द स्कोप फॉर न्यू आइडियाज और इस तरीके से अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये थी बेसिकली इस पूरे आंसर की स्क्रिप्ट और इस तरीके से यूज करके आप लिख सकते हैं. कुछ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए. इन दोनों के बेसिस पर अल्टीमेटली यू कैन राइट योर आंसर. आंसर लिख सकते हैं और बस यहीं पर डिस्कशन हमारा खत्म होता है. कोई दिक्कत होगी तो आप लोग देखिएगा. बाकी चैनल को जाकर के एक बार देख सकते हैं वहां पर चीजों को देख लीजिएगा क्या हो रहा है. और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.